जी टीवी के रियलिटी शो डांस इंडिया डांस का नाम तो हर कोई जानता है। इसी के चलते डांस इंडिया डांस के पिछले सेशन के रेमो के रंगीले शशांक और गीता की गैंग के धर्मेश सर पहुंचे लखनऊ। जल्द ही जी टीवी पर डीआईडी डबल्स आने वाला है, जिसके लिए धर्मेश और शशांक कई सारी आशाएं लेकर जयपुर के बाद अब ऑडिशंस लेने पहुंचे हैं लखनऊ। हमसे ज्यादा बेहतर सोच क्या है कि हम लोग ऐसा चुने, क्योंकि डीआईडी 1 से उसके बाद डीआईडी 2 का जो लेवल हुआ वो और बढ़िया। अभी जो एक्सपेक्टेशन है वो हमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे भी ज्यादा अच्छे, ताकि उससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि हम जहाँ पे सोचते हैं कि अगर हम लाइक धर्मेश सर या शक्ति या एक्सवाइजेड या मैं अपनी बारे में बात करूँ कि हम लोग अपने एक इंडिया के टॉप लेवल के डांसर हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, वो भी मोटिवेशन तभी मिलेगा जब हमें कोई अच्छे डांसर मिले। तो हम अपने ऊपर भी ध्यान रख सकते हैं कि नहीं, हमसे और अच्छे हैं, तो हम अपने ऊपर भी ध्यान रखते हैं कि हाँ उनसे और अच्छा करेंगे। धर्मेश से थोड़ी हमने मस्ती भरी बातें भी करी। धर्मेश खाने के बहुत शौकीन हैं, तो भला यहाँ का जायकेदार खाना कैसे छोड़ सकते हैं? मैं पहली बार भी शहर में आया और बहुत अच्छा लगा, एंड सब चीज़ें खाने पीने की चीज़ें बहुत अच्छा मिले, क्योंकि मैं खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक, तो ऑब्वियसली अभी मैं चाहूँगा था खाने के बाद। धर्मेश से जब हमने पूछा कि आखिर ऐसा क्या था कि रेमो की टीम में ना शामिल होने पर आपने बोल दिया कि आपके भगवान ही छूट गए। एक्चुअली रेमो सर का मैं बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ, ऐसा नहीं, और जब डीआईडी में मैं उन्हें देखा तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, रेमो सर से मिलने का एक बहुत अच्छा मौका है। तो जब ये पता चला कि हाँ मैं गीता में, हाँ मुझे थोड़ा दुख हुआ, जब पता चला कि नहीं जितने रेमो सर को मैं जितना मानता हूँ उतना मैं भी गीता मैम को भी बहुत ज़्यादा मानने लगा, क्योंकि वो भी मैं जैसे बोला था कि मेरे भगवान से गए थे, तो वैसे ही मैं अभी गीता माँ को भी वही जगह पर रखता हूँ, और वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही टैलेंटेड। धर्मेश ने हमारे साथ कुछ मस्ती भरे पल भी बिताए और साथ ही अपना सिग्नेचर स्टेप भी हमारे साथ शेयर किया। धर्मेश के साथ आए रेमो के रंगीले शशांक ने भी हमसे कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और साथ ही डीआईडी डबल्स के लिए बेस्ट डबल्स को चुनने की आशाएं जताई। सफर बहुत अच्छा था, एक चैलेंजिंग था, क्योंकि आपके हर एक कंटेस्टेंट लाइक राइट नाउ तो वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स धर्मेश, हम लोग उस टाइम पे एक चैलेंजिंग मोड पे आ जाते हैं कि आपको एवरी वन नॉट द वॉरियर बट हाँ एक आपको पैशन होता है कि भी आपको एक से बढ़कर कुछ काम करना। लखनऊ पहुंच के या फिर कहीं पर भी मेरे को सिर्फ यही है कि भी जहाँ पे भी हम जाए हम अपना बेस्ट जो भी हम लोग निकालने आए हैं यहाँ पे हम अपना बेस्ट निकालें और अपने जजेस को खुश करें और एट द सेम टाइम कि भी आप लोग हमें मोटिवेट कर सकें कि भी हम और डांसिंग की तरफ और आगे बढ़ते रहें और लोगों को प्रमोट करते रहें। लगे कल आपको ये नहीं लगना चाहिए कि भी हमने गलत डिसीजन लिया। लखनऊ से द न्यूज़ बॉन्ड.com के लिए सैयद मोहम्मद सौबान।